आज हम लोग यहाँ उत्तराखंड में गढ़वाल और कुमाऊं की बड़ी खबरें, तो इसमें हम गढ़वाल और कुमाऊं की सभी खबरों की बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरोना अपडेट को लेकर के। तो भारत में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 246,628 हो गई है। वहीं 6,929 लोगों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटे में 9,971 मामले नए सामने आए हैं। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भी कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। उत्तराखंड में सोमवार को 56 और कोरोना संक्रमित मरीज मिले। इन्हें मिलाकर के संक्रमितों की संख्या 1,411 हो गई है। वहीं 714 लोग ठीक भी हुए हैं। इसमें सबसे ज़्यादा मामले टिहरी जिले में मिले, जहाँ पर 28 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई। इसमें 26 महाराष्ट्र से लौटे थे। वहीं देहरादून जिले में 6 संक्रमित मिले, इनमें से एक मुंबई से लौटा था, जबकि 5 मरीज की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। बागेश्वर में 2, चंपावत में 2, चमोली में 1, हरिद्वार में 9 मरीज मिले। वहीं नैनीताल में 1, पौड़ी में 4, उधमसिंह नगर में 1 और रुद्रप्रयाग में 2 कोरोना के संक्रमित मरीज मिले हैं। और इसी के साथ गैरसैंण में स्थित भराड़ी सैण में ग्रीष्म और भराड़ी सैण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बना दिया गया। तो आखिरकार चमोली जिले के अंतर्गत भराड़ी सैण, जिसे गैरसैण कहते हैं, सोमवार को आधिकारिक रूप से प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी बन गई। राज्यपाल की मंजूरी के बाद मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने सोमवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। और ऐसा खबर आई है, स्कूलों को खोलने के लिए 15 जुलाई के बाद होगा फैसला। तो गृह और स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन पर ही खुलेंगे शिक्षण संस्थान। तो स्कूलों को खोलने को लेकर के केंद्र की तरफ राज्य सरकार भी जल्दबाजी में नहीं है। मानव संसाधन विकास मंत्री की ओर से इस मुद्दे पर चर्चा के लिए सोमवार को बुलाई गई बैठक में ज़्यादातर राज्यों ने स्कूलों को खोलने की योजना अगले 2 महीने तक और स्थगित करने का सुझाव दिया है। राज्यों में तकरीबन 70% स्कूलों को क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं। इनमें करीब 200 केंद्रीय विद्यालय भी शामिल हैं। ऐसे में मंत्रालय ने संकेत दिया है कि स्कूलों के खोलने को लेकर कोई भी फैसला 15 जुलाई के बाद ही लिया जाएगा। और चारधाम यात्रा जो है वो 30 जून तक स्थगित कर दी गई है। 30 जून तक चारधाम यात्रा नहीं होगी। और इस खबर आई है, अन्य राज्यों से बिना पास के आवाजाही की अनुमति मिल गई है। तो बिना पास के अब लोग एक राज्य से दूसरे राज्य भी आ जा सकते हैं। तो उत्तराखंड में अब मंगलवार से अन्य राज्यों से भी आवाजाही शुरू हो जाएगी। इसके लिए प्रदेश सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके मुताबिक अब दूसरे राज्यों से आने वालों को पास की जरूरत नहीं होगी, केवल उन्हें खुद का रजिस्ट्रेशन प्रदेश सरकार की वेब पोर्टल पर कराना होगा। सरकार ने मुंबई और दिल्ली के सभी जिलों के अलावा अन्य राज्यों के 29 ऐसे जिलों की सूची जारी की है जिन्हें संक्रमण के लिहाज से संवेदनशील माना जा रहा है। तो अब पास की जरूरत नहीं है, केवल आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा ताकि ये पता चल सके कि कौन कहां से आया है, और अगर किसी में संक्रमण की पुष्टि होती है तो उसकी ट्रैवल हिस्ट्री निकाली जा सके। और इसलिए केवल रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो इसके लिए माई स्मार्ट सिटी पर आप जा सकते हैं और वहां पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो इस प्रकार से यहां पे साइट दी गई है। तो यहां पर जा करके इसकी साइट जो है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी। तो केवल रजिस्ट्रेशन करना है और पास की ज़रूरत नहीं है। अब बिना पास के भी आप आ सकते हैं। और इस खबर आई है, उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाओं की जो तिथि है इसमें बदलाव कर दिया गया है। अब 22 जून से होंगी 10वीं और 12वीं की परीक्षा। तो उत्तराखंड बोर्ड की शेष परीक्षाओं की तिथियों में बदलाव किया गया है। अब परीक्षा 20 जून की जगह 22 जून से शुरू होगी। इसके पहले शासन ने 5 जून को हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षा की तिथि 20 जून से 23 जून की थी, लेकिन अब जो है इसकी डेट बढ़ा दी गई है और अब जो है 22 जून से ही पेपर होंगे। तो 22 से 25 जून तक ये पेपर होंगे। और खबर आई है, तो अब देहरादून बनेगी उत्तराखंड की राजधानी। तो 19 साल तक सियासी दावपेच में उलझा रहा गैरसैंण का मुद्दा, देहरादून एकमात्र विकल्प जहां राजधानी के लिए आधारभूत ढांचा। पहाड़ में अब रिकवरी की रफ्तार भी बढ़ने लगी है। वहीं मरीज जीत रहे जंग, मात खा रहा कोरोना। तो उत्तराखंड में 51% संक्रमित स्वस्थ हो गए हैं। सोमवार को 186 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। वहीं 56 नए मामले सामने आए हैं। और इस खबर आई है, देहरादून में 2 और कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए हैं। तो जैसे जैसे कोरोना का संक्रमण के नए मामले सामने आ रहे हैं, वैसे वैसे नए कंटेनमेंट जोन भी बनने लग गए हैं। सोमवार को देहरादून के बल्लूपुर और जोलीग्रांट क्षेत्र में 2 और कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। और खबर आई है, सुलझ सकता है रोडवेज वर्कशॉप का विवाद। तो परिवहन निगम प्रबंधक निदेशक के स्मार्ट सिटी CEO बनने से जगी है उम्मीद। वहीं एक दिन नहीं आए तो 2 दिन अनुपस्थित। तो रोडवेज में आज से ड्यूटी के नए नियम लागू किए जा रहे हैं। अगर कोई कर्मी रोस्टर के तहत बनाए ड्यूटी चार्ज में उपस्थित नहीं होता है तो उसकी 2 दिन की गैर हाजिरी दर्ज की जाएगी। और खबर आई, रोडवेज से आज से
नए रोस्टर के तहत कर्मचारियों को आना होगा ड्यूटी पर। खबर है देहरादून के पटेल नगर से, जहां पे आत्महत्या को उकसाने में युवती समेत दो पर मुकदमा दर्ज किया गया है। देहरादून से खबर है, जहां पे देहरादून में शासन की गाइडलाइन लागू, अब बढ़ेगी सख्ती। तो दून नगर निगम गढ़ी व क्लेमेंट टाउन केंट बोर्ड सीमा समेत कंटेनमेंट जोन में किसी तरह की छूट नहीं है। वहीं शहर के कुछ मंदिर खुले बाद में बंद कराए गए। और खबर आई है, बैंकों में शुरू होगा लेन देन, खोले जाएंगे नए खाते। तो काफ़ी लंबे समय से जो लेन देन है ये नहीं हो पा रहा था, ना ही पासबुक अपडेशन हो पा रहा था और ना ही यहाँ पे खाते खोले जा रहे थे। तो ऐसे में अब सभी काम फिर से शुरू होने जा रहे हैं। और खबर आई है, मसूरी और नैनीताल में नहीं खुलेंगे होटल गेस्ट हाउस। तो मसूरी होटल एसोसिएशन ने फिलहाल अगले 10 दिन तक होटल बंद करने का निर्णय लिया है। माल देवता में नहीं बनेगी अस्थायी सब्जी मंडी। तो निरंजनपुर मंडी के सभी आढ़ती वहीं कोरोना टेस्ट कराएंगे। और इससे खबर आई है, देहरादून में 2 दिन के बाद बाजार खुले, वहीं जाम लगा है। इसी साथ खबर आई है, गुरुवार को 50 लोग जमा कर सकेंगे हाउस टैक्स। तो नगर निगम में 85 दिन बाद खुले काउंटर, 25 लोगों ने हाउस टैक्स जमा किया है। और खबर आई है, अन्य राज्यों से रोज आ जा सकेंगे कार्मिक। सहारनपुर और बिजनौर से आने पर भी 7 दिन तक संस्थागत क्वारंटाइन किया जाएगा। तो प्रदेश में दूसरे राज्यों के कार्मिकों व श्रमिक उत्तराखंड में प्रतिदिन आवाजाही कर सकेंगे, बशर्ते इस जिस जिले से वो आ रहे हैं वह संवेदनशील की सूची में ना हो। प्रदेश सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन में यह भी स्पष्ट किया गया है कि कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक लॉकडाउन जारी रहेगा। बफर जोन का चिन्हीकरण और इसमें लगाए जाने वाले प्रतिबंधों के लिए जिलाधिकारियों को अधिकृत किया गया है। और खबर आई है, कोरोना संक्रमितों के लिए प्रदेश में 20,000 बेड बनाए जा रहे हैं। और बड़ी खबर आ रही है, प्रदेश में जोनिंग से व्यवस्था खत्म हो गई। तो ऐसे में अभी तक जो नैनीताल रेड जोन में था वो भी अब रेड जोन में नहीं रहा। तो सरकार ने अनलॉक 1 में जिलों को खासी राहत प्रदान की थी। इसके मुताबिक अब प्रदेश में जोनिंग की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। प्रदेश में कोई भी जिला रेड, ऑरेंज अथवा ग्रीन जोन में नहीं रखा जाएगा। वहीं बात करते हैं गढ़वाल की खबरों की। तो हिमालय सब बुलंद है सीमांत गांवों का हौसला। तो सीमांत गांव गमसाली के लोग बोले, बाड़ा होटी हमारा है, यहां आने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता। और इस खबर आई है, हरसिल घाटी में यात्रियों को होटल में नहीं देंगे कमरा। तो प्रदेश सरकार भले ही तीर्थाटन और पर्यटन की गतिविधियां शुरू करने की कोशिश कर रही है, लेकिन होटल व्यवसायी और ग्रामीण इसके लिए तैयार नहीं है। वहीं खबर आई है, कोटद्वार से, जहां पे सिद्ध बलि के मंदिर खुल गए लेकिन कम संख्या में भक्त पहुंचे हैं। श्रीनगर गढ़वाल से खबर आई, जहां पे कमलेश्वर और नागेश्वर महादेव मंदिर भी खोल दिए गए हैं। वहीं चंद्रबदनी के कपाट नहीं खोले गए हैं। सुरकुंडा भी यहां पर सुना है। और खबर आई है, सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक ही मंदिर आ जा सकेंगे। तो गोपेश्वर से खबर आई है। वहीं सोमवार को पौड़ी के श्रीनगर मोटर मार्ग पर लगे जाम में फंसे वाहन। और खबर आई है, लैंसडाउन से, जहां पे जांच को घंटों लाइन में खड़े रहे लोग। तो पर्यटन नगरी लैंसडाउन आने वाले लोगों को उठानी पड़ रही है परेशानी। हरिद्वार से खबर आई, जहाँ पे दुष्कर्म में मदरसा शिक्षक गिरफ्तार किया गया। तो पथरी थाना क्षेत्र का मामला है, शादी का झांसा देकर के दुष्कर्म किया गया है। वहीं खबर आई है, हरिद्वार से, जहाँ पे महिला चिकित्सा के खाते से 4 लाख की नकदी उड़ाई गई है। हरिद्वार से, हरिद्वार के ज्वालापुर में हिस्ट्री सीटर को गंगा में फेंकने वाले को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब वहीं हरिद्वार से खबर आई, जहाँ पे 2.5 माह बाद धर्मनगरी के मंदिरों के कपाट खोल दिए गए हैं। रुड़की की बात करें तो रुड़की से खबर है, जहाँ पे कंटेनमेंट जोन का उल्लंघन पर भड़की जेएम। तो लोगों को बिना मास्क घूमते देख पुलिस ने लगाई फटकार, दिए कार्रवाई के निर्देश। और खबर आई है रुड़की से ही, जहाँ पे केन्या की महिला को 14 दिन को क्वारंटाइन किया है। तो नशे की हालत में मिली केन्या की महिला को
गेस्ट हाउस में 14 दिन के लिए क्वारंटाइन कर दिया गया है। विकास नगर की खबर की बात करें तो ढाई माह बाद विकास नगर में भी धार्मिक स्थल खुले, श्रद्धालुओं को सशस्त्र पूजा की अनुमति दी गई। ऋषिकेश से खबर आई है जहां पे सोनू सूद ने 3 वॉल्वो बसों से उत्तराखंड भेजे प्रवासी। तो इस समय सोनू सूद अलग अलग राज्यों के प्रवासियों को उनके घरों तक भेज रहे हैं। ऐसे में उत्तराखंड में भी उन्होंने कई प्रवासियों को भेजा है, हवाई जाँच के माध्यम से भी भेजा उन्होंने। और इस बार उन्होंने वॉल्वो बसों से श्रीनगर और कुमाऊं के प्रवासियों को भेजा है। बात करते हैं अल्मोड़ा की खबरों की, तो बागेश्वर में 2 और कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिससे सक्रिय केस 18 हो गए। तो जिले में 2 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए। जिले में अब तक कुल 35 कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं, जिनमें 17 लोग स्वस्थ होकर चले गए हैं, जबकि 18 सक्रिय केस हैं। और खबर आई है अल्मोड़ा से, जहाँ पे होम क्वारंटाइन तोड़ने पर 3 पर रिपोर्ट की गई है। चौकुटिया ब्लॉक में तालाबंदी की गई है। और इस खबर आई अल्मोड़ा से, जहाँ पे व्यापार ने पकड़ी रफ्तार, ग्राहकों से गुलजार हो रहे हैं बाजार। और वही खबर आई है रानीखेत द्वाराहाट ताड़ीखेड़ से, जहाँ पे होटल खुले पर नहीं पहुंचे ग्राहक। नैनीताल की खबरों की बात करें तो नैनीताल से खबर आई है, पहले करेंगे टोल उसके बाद लगाया जाएगा जुर्माना। तो बिना पर्ची खाद्य पदार्थ ले जाने वाले ट्रकों को अब बिना टोल किए नहीं छोड़ा जाएगा। और इस खबर आई है रामनगर से, जहां पे हाथियों की गिनती करने गए वन कर्मचारी पर झपटी बाघिन। तो कार्बे टाइगर रिजर्व रामनगर की घटना, फायरिंग व साथियों के शोर मचाने पर भागी है। और इसी साथ खबर आई है, पीड़ित परिवार को भगत ने दिया 2 लाख का चेक। तो बेल पड़ाव रेंज के अंतर्गत धनपुर ग्राम सभा मदन बेल में कपड़े धो रही 12 वर्षीय ममता को गुलदार ने शनिवार को हमला कर मार डाला। सोमवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंसीधर भगत व वन संरक्षक पश्चिमी प्रीत पराग ने परिवार को 2 लाख का चेक दिया है। और इस खबर आई है, मंदिरों में पूजा, मॉल में ग्राहकों की प्रतीक्षा। तो जगह जगह खुल गए हैं। वहीं हल्द्वानी से खबर आया, जिला रेड जोन से बाहर हो गया है मगर पुरानी गाइडलाइन जारी रहेगी। तो बड़ी खबर है, अब नैनीताल जो है वो रेड जोन से बाहर कर दिया गया है। वहीं जिला प्रशासन नई गाइडलाइन लागू करने को तैयार नहीं है, देर रात तक किसी तरह के निर्देश जारी नहीं किए गए, इसे लेकर के असमंजस बना रहा। और खबर आई है, 2.5 महीने बाद आज खुलेगी मंगल पड़ाव मंडी। तो खबर आई है हल्द्वानी से, तो नियमों का विरोध, हक के लिए उठाई आवाज। तो क्वारंटाइन के 14 दिन की बाध्यता के विरोध में टैक्सी चालकों ने प्रदर्शन किया है। भीमताल से खबर आई है, जहां पे देवरानी जेठानी की नम आंखों से विदाई। तो रविवार शाम स्कूटी खाई में गिरने से हुई थी मौत। रानीबाग शमशान घाट पर बिरादरी के लोगों ने मुखाग्नि दी है। बात करते पिथौरागढ़ की खबरों की, तो मापांग में चट्टान काट करके बनेगा अब नया पैदल मार्ग। तो मुनस्यारी से खबर है, जहाँ पे सीमांत तहसील मुनस्यारी की 14 गांवों को जोड़ने वाला पैदल मार्ग सोमवार को तीसरे दिन भी नहीं खुल सका। चट्टान टूटने से ध्वस्त हो चुके पैदल मार्ग के स्थान पर अब लोक निर्माण विभाग नया मार्ग बनाने में की तैयारियाँ कर रहा है। और खबर आई है, वहीं विभाग की उदासीनता पड़ी भारी। तो नेटवर्क नहीं होने से ऑनलाइन पढ़ाई ठप है। और इस खबर आई है पिथौरागढ़ से, जहाँ पे अनलॉक में छूट के बाद बाजारों में उमड़ा सैलाब। छूट मिलते ही चंपावत के बाजार भी हुए हैं गुलजार। और खबर आई है वहीं चंपावत से, जहाँ पे 21 संक्रमित उपचार के बाद स्वस्थ होकर के घर लौटे हैं। वहीं खबर आई है, मुस्लिम शिक्षक ने मंदिर को सैनिटाइज किया है। और बेरोजगारों के लिए खबर है, जहां पे होप पोर्टल से तैयार होगा प्रवासियों का डाटा। तो सीमांत जिले पिथौरागढ़ में वापस लौटे युवाओं को अब प्रदेश होप पोर्टल में पंजीकरण किया जाएगा। कुशल और अकुशल के आधार पर पंजीकरण के बाद इन युवाओं को कौशल विकास कर स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा।
और खबर आई है वहीं चंपावत से, जहां पे टनकपुर जौलजीवी मार्ग को लेकर के जल्द काम शुरू किया जाए, इसको लेकर के उग्र आंदोलन किया जा रहा है और आगे भी आंदोलन की चेतावनी दी गई है। पिथौरागढ़ की खबर की बात करें तो पिथौरागढ़ में भी अनलॉक हुए मंदिर, शॉपिंग मॉल और फिर लौटी रौनक। वहीं खबर आई है रुद्रपुर से, जहां पर लापरवाही पर प्रधानाध्यापक का एक माह का वेतन रोका गया है। तो लॉकडाउन के दौरान मध्याह्न भोजन योजना के तहत सरकारी विद्यालयों में बच्चों को राशन व भत्ता उपलब्ध कराने के काम में लापरवाही बरतने पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सहदौरा के प्रधानाध्यापक का वेतन रोका गया है। और इस खबर आई है रुद्रपुर से, जहां पर जिले में 73% संक्रमित अब स्वस्थ हो गए हैं। खबर आई है गदरपुर से, जहां पे 13 अगस्त 2019 को खालसा ढाबे में खाना खाते समय सिपाही को गोली मारी थी, अब उस सिपाही का हत्यारोपी को दबोचा गया है। इधर खबर आई है डाक विभाग में जीडीएस पदों पर बंपर भर्ती निकली है, तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो भारतीय डाक विभाग उत्तराखंड परिमंडल में ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस के पदों पर बंपर भर्ती निकली है। इसके तहत कुल 724 पदों पर को भरा जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थी से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। अभ्यर्थी के चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा। तो इसमें 18 से लेकर के 40 साल तक जितने भी युवा हैं वो सभी के सभी फॉर्म को भर सकते हैं। इसके लिए indianpost.gov.in पर आपको जाना होगा, अप्लाई कर सकते हैं। और इस खबर आई है IMA कैडेट मास्क पहन करके अब करेंगे कदमताल। तो IMA में 13 जून को पासिंग ऑफ परेड है। और इस खबर आई है बेरोजगारों की लच्छी खबर है, एक सप्ताह में शुरू होगा समूह ग के पदों पर आवेदन। तो अधीन सेवा चयन आयोग ने समूह ग श्रेणी के खाली पदों की भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया एक सप्ताह में शुरू करेगा। अनलॉक 1 में सब कुछ खुलने से आयोग ने तैयारियां कर ली हैं। कोरोना संक्रमण व लॉकडाउन के चलते आयोग ने आवेदन प्रक्रिया स्थगित कर दी थी, लेकिन अब जो है यहाँ पर शुरू कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से जो भी तैयारी में लगे हुए हैं वो अपनी तैयारी में लगे रहें, क्योंकि अब जो है एक सप्ताह के अंदर UK 83 के फॉर्म फिर से आ जाएंगे। तो इसमें जो है लॉकडाउन के दौरान आयोग ने 1500 पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया स्थगित की थी। इन पदों के साथ अन्य पदों के लिए जल्द ही आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर जो सचिव हैं संतोष बडोनी, उन्होंने यहाँ पर कहा है।